प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद इसराइल ने एक बार फिर लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के बैंकों पर एयर स्ट्राइक की। इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड हमले से हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों को यहीं से वेतन मिलता था। इसके साथ ही हिजबुल्ला की सभी आर्थिक गतिविधियाँ यहीं से संचालित होती थीं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के हमले से अरबों डॉलर की संपत्ति जलकर राख हो गई है। वहीं संगठन का डिप्टी कमांडर देश छोड़कर ईरान भाग गया है।